हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर न्यू अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये डिवीजन लेम्मा है, डिवीजन एल्गोरिथम है, जो आप लोगों ने क्लास थर्ड में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्राइमरी क्लासेस में। सो यहाँ पर ए जो है डिविडेंट है, इज इक्वल्स टू बी जो है डिवाइजर है, क्यू क्वेश्चन है, प्लस आर रिमाइंडर है। सो हियर द कंडीशन इज दैट आर रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। सो वही सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है, जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा है। बी इज नथिंग बट डिवाइजर, बी हमारा डिवाइजर है। तो अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री थे, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, और उनको यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिसने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें लेमा क्या है। लेमा कहते हैं पहले से प्रूव किए गए स्टेटमेंट को, जिसकी हेल्प से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट्स प्रूव कर सकते हैं। सो आवर टुडेज क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर्स, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p, 3p+1। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वी हैव टू यूज। सेकेंड थिंग, वी हैव टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है 3p, 3p+1। सोल्यूशन, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमको यूज़ करना है। सो पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिख दूंगी। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, वी आर हैविंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। सो वेयर ए, ये जो है डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। सो आर लेस देन बी, बी डिवाइजर। सो आर ग्रेटर देन जीरो होता है या फिर इक्वल्स टू। नाउ हियर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वी हैव टू यूज, ये यूज़ करना था। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है यहाँ पर, तो पॉजिटिव इंटीजर पहले हम लेंगे। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर ले ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। ए यहाँ पर डिविडेंड की प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग, बी की प्लेस पे हम लोग 3 लिखेंगे। ओके, एंड बी इज इक्वल्स टू 3। नाउ ए इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ बी हम लोग लिख रहे हैं 3, क्यू क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए ये यूज़ करना है हमें, रिमाइंडर लेस देन 3 है। सो आर इज इक्वल्स टू लेस देन 3 मींस, मतलब 0 से स्टार्ट है, इक्वल्स टू 0 से, 0, 1, 2। सो ये हो गया 2 लेस देन 3 है, तो वहीं तक नंबर लेना है हमको। सो ए हमने क्या लिया, ए इज इक्वल्स टू 3q, ए इज इक्वल्स टू 3q, क्योंकि सेम डिवाइजर और क्वेश्चन है, सिर्फ रिमाइंडर चेंज हो रहा है। रिमाइंडर 3 वैल्यू से 0, 1, 2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं, बट ए पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, बट हमें क्या चाहिए। हियर वी विल टेक फर्स्ट केस, हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें स्क्वायर लगाना होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर 3q होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, सेपरेटिंग द स्क्वायर्स 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर 3 2 टाइम्स ले सकते हैं हम लोग, स्क्वायर है होल स्क्वायर।
सो यहाँ पर 3p या फिर 3p प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम लोग 3 पहले यहाँ पर मैं सेपरेट कर रही हूँ, उसके बाद एक 3 जो 3 स्क्वायर है, दो बार रहता है 3q स्क्वायर। ओके, तो अब 3q स्क्वायर की प्लेस पे हम लोग p लिखते हैं क्योंकि हमें 3p और 3p प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। सो लेट वी विल टेक 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें आया है 3p, यही हमको लिखना था। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला केस सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। सो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था क्वेश्चन में, तो हम लोग स्क्वायर लेंगे। ओके, यहाँ पर 2 टर्म्स है ब्रैकेट में, तो हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर बी स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, प्लस 2ab। ओके, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन में, चेंज कर सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। सो फॉर्मूला है ये, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की प्लेस पे 3q, बी की प्लेस पे 1, 3q 1 3q 1 3q। ओके, नाउ 3 स्क्वायर q स्क्वायर, सिर्फ ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं, स्क्वायर सेपरेट किया है, 2 × ब्रैकेट मीन्स × 3q × 1 1 एज इट इज़ यू विल गेट। सो मैंने प्लस 1, इसको किस फॉर्म में लिखना था, 3p और 3p प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है हमको ये। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 है यहाँ पर, क्योंकि 3p के फॉर्म में तो नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 3 लेना है और सारे टर्म्स ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर एक 3 बच गया 3q स्क्वायर, सेकेंड वाले टर्म में देख सकते हैं आप 2 है, 3 हमने ऑलरेडी ले लिया तो q बच गया, देन आउटसाइड 1, तो हो गया हमारे पास ये सब ब्रैकेट में जो है उसकी प्लेस पे हम लोग p लिख रहे हैं। ओके, सो 3 और इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1, तो ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p प्लस 1। तो अब थर्ड केस हमारा बाकी है अभी, तो थर्ड केस है ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसको भी हमने 3p प्लस 1 या फिर 3p के फॉर्म में लेना है। सो हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लिया है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था वहाँ पर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर लिया हमने, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, देन वी हैव सेपरेटेड द स्क्वायर, 3 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 + 4 लिया, 4 को स्प्लिट किया 3 + 1 में, क्योंकि 1 आउटसाइड ले लेके हम लोग फिर 3 उसमें से कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में है उसकी प्लेस पे हम लोगों ने p लिख दिया। ओके, सो 3p प्लस 1 आंसर आ गया, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्लस 1। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3p एंड 3p प्लस 1। यू हैव टू ट्राई दिस सिमिलर प्रॉब्लम, यूज यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम और लेमा। ओके, लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, जस्ट आई हैव चेंज द वेरिएबल। ओके, सो इन प्लेस ऑफ पी हैव रिटन m। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।